Assalamualaikum viewers, my name is Rizwan Cheema and welcome back with another video of Lahore Smart City Walking Tales episode 13. और इस एपिसोड में आपको जो लाहौर स्मार्ट सिटी में किनाल की स्ट्रीट्स, मैंने पहले जितनी स्ट्रीट्स हैं, जितनी डेवलपमेंट हो रही है स्ट्रीट वाइज, मैंने वो छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस तीन चार मिनट की मैं बना दी थी। ये एक लास्ट स्ट्रीट है जो ईस्टर्न बाईपास के बिल्कुल साथ है, यानी एडजस्टेंट है, यानी आपसे ईस्टर्न बाईपास से आपके डायरेक्टली अपने घर से ईस्टर्न बाईपास को देखते हैं। जब कंस्ट्रक्शन होगी तकरीबन यहाँ पे जो फ्लोर की हाइट होगी 28 फीट से 30 फीट जितनी भी हाइट होती है, तो यहाँ से डायरेक्टली विजिबिलिटी जो कि ईस्टर्न बाईपास की होगी तो आपको बड़े इजी एक्सेस मिलती है। यहाँ से एक्सेस तो खैर वहाँ से जो अंडरपास है उसके साथ से जब रोड बनेगा यहाँ पे तब बनेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए स्ट्रीट पर जो विलाज हैं, मैंने पहले स्ट्रीट के बारे से वीडियो बनाई थी, ये स्ट्रीट पार्क के अपोजिट साइड पर यहाँ पर आती है और टोटल स्ट्रीट पर जो विलाज हैं दैट इज़ 28, ये विला नंबर 28 है। और इस पर जो डिवेलपमेंट का काम रिक्वायर्ड था, प्रोग्रेस एज ऑफ 12th of January 2022, प्लान प्रोग्रेस 0.00, एक्चुअल प्रोग्रेस 4% है, बिहाइंड अहेड स्केजुअल, 4% जो है अपने स्केजुअल से अहेड है। और ये इस वक्त आप साइट पे इस विला की प्रोग्रेस देख सकते हैं, इनके जो डिगिंग वाला काम है, जो बेसिक काम है वो हो चुका है और बाकी जो काम है वो अभी साइट पे जारी है। ये विला नंबर 28 स्ट्रीट का मुझे नहीं पता नंबर क्या है इसका, जब इसका प्रॉपरली विद स्ट्रीट मैप नंबर के साथ लॉन्च होगा तो मैं बता दूंगा। फॉर द टाइमिंग ये स्ट्रीट्स हैं जो किनाल के विलास के प्लॉट्स के लिए रिजर्व है, 100% पेमेंट मिलेगी इसके अपोजिट साइड पर। और ये वाली जो स्ट्रीट है ये भी किनाल के प्लॉट्स के लिए रिजर्व है जहाँ पे अभी डिगिंग वगैरह कर रही है लेबर, और यहाँ पे साथ साथ स्ट्रीट पर जो डेवलपमेंट काम बाकी है, स्ट्रीट लाइट्स, प्लांटेशन, वो काम तो मुकम्मल हो गया है और अभी सिर्फ जो आप कह लें कि सीवरेज काम है उसके लिए डिगिंग हो रही है और वो काम भी एन बहुत जल्दी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये वीडियो बेसिकली इन विलास के बारे से नहीं थी, ये वीडियो थी वॉकिंग टेल्स सीरीज़ की एपिसोड 13, इसकी मैं बैक साइड जो प्लांटेशन की गई यहाँ पर जो फ्रूट्स के लिए, मैं उसके वाले से जो रिंग रोड से एक्सेस है जो करीब 3 पॉइंट बनता है उस हवाले से थी। अच्छा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके ये जो लास्ट स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है इस स्ट्रीट पे, इस साइड पे तो आई थिंक कोई शायद कमर्शियल प्लॉट या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो, फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैप पे इतना क्लियर नहीं है। अच्छा ये जो आपको सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं रिंग रोड के बिल्कुल साथ, ये स्ट्रीट जो है, ये जो आपको हाई वोल्टेज लाइन नज़र आ रही है इसके साथ ये स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट के साथ जितने आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, यानी ये जो फ्रूट ऑर्चर्ड होगा ये उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि यानी कि इस तरफ सारे फलदार दरख्त होंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के साथ साथ। यानी अगर आप ईस्टर्न बाईपास से लाहौर स्मार्ट सिटी साइट को देखेंगे तो पहले आपको ये शानदार ग्रीनरी नज़र आएगी, प्लांटेशन जहाँ पर इनकी कर दी गई है, और ग्रीनरी के बाद फिर यहाँ पर आके रेजिडेंशियल एक्टिविटी शुरू होती है। इसी साथ क्योंकि मेन रोड के साथ कमर्शियल एक्टिविटी को नहीं रखा गया, यहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी ही है इस तरफ, और वो बैक साइड पे विलास, पार्क, मस्जिद, इनकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और ये जहाँ से बाइक आती नज़र आ रही है ये C1 रोड है जिसकी वेट है 120 फीट और सर्विस रोड भी साथ है तो 180 फीट रोड तक इसकी वेट हो जाएगी। और इस साइड पर ये बेसिकली 2 लेन रोड है, 2 लेन ईच साइड और साथ सर्विस रोड होगी, 3 लेन हो जाएगी तो 180 फीट। मेन जो एंट्रेंस रोड उस तरफ बनती है दैट विड्थ इज़ 180 फीट। और जहाँ पे आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है इस गाड़ी के अपोजिट साइड पे भी इस वक्त रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, लेकिन ये सेक्टर ऐसे बाहर आते हैं, इसके वाले सोसाइटी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। ये स्ट्रीट पे लेबर आपको जो फुटपाथ का काम है करते हुए नज़र आ रही है। और ये मैंने वीडियो जितनी रिकॉर्ड की है, बल्कि इनफैक्ट इस सीरीज़ में जितनी वीडियो रिकॉर्ड की हैं मैंने फुटपाथ पर चले की हैं, और विद इन नो टाइम ये डेवलपमेंट हुई है। मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जब फेब 2021 में इसका एनओसी आया था, बिलीव मी इस जगह पे मैं पहला इंडिविजुअल था, सेल्स पार्टनर जो आया था, तो यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आती थी। मैं कहता यार कैसे बनेगा यहाँ पे, टोटल ग्रीन फील्ड्स कुछ भी नहीं था, कुछ चीज़ एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। लेकिन आज की डेट में मई में मशीनरी मूव हुई यहाँ पर, और आज की डेट देखें कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर आएँ तो एक सेक्टर की सिर्फ वॉक करें तो आपको तकरीबन 3-4 घंटे चाहिए। एक हालांकि बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, आई थिंक 8-10 स्ट्रीट्स होंगी या ऐसा कोई मतलब ज़्यादा नहीं होंगी। और ये सामने अपोजिट साइड पे आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का साइट ऑफिस है, उसी कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। और ये बैक साइड पे भी लेवलिंग और जो ब्राउनिंग काम है उस आगाज़ कर दिया गया है। ये आई थिंक ओवरसीज़ ब्लॉक बनेगा सारा, जो रिंग रोड से विजिबिलिटी होगी इसकी। और ये मैं दोबारा आ गया हूँ मेन C1 रोड पर जिसके फुटपाथ मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ तक, और बाकी जो काम है वो साइड वाइज जारी है। अगेन साइटी के अपने साइट ऑफिसेज जहाँ कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे थे, बैक साइड पे कंटेनर्स हैं, ये साइटी के साइट ऑफिसेज हैं, और बैक साइड पे ये वाटर टैंक है।
भैया आपको टावर सा नजर आ रहा है, बेसिकली पोल सा जो नजर आ रहा है, इसके ऊपर 360 कैमरा लगा जाएगा। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे है ये 360 कैमरा है, तो जो भी इंडिविजुअल वो पाकिस्तान में हो या मुल्क से बाहर हो, जहाँ भी आप बैठे हैं, आप एक्टिविटी साइट पे जो है वो साइट की वेबसाइट पे जाके लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पे साइट पे एक्टिविटी क्या है। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।